तो गाइस स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये गोप्रो की नॉर्मल बैटरी है, ये एक्स्ट्रा बैकअप निकाल के देती है। और गाइस काफी टाइम से मैं ये वाला माइक यूज कर रहा हूँ। गाइस व्यू चेक करो यार, गाइस बिफोर अ टाइम से ना यार माइक ना डिस्टर्बेंस कर रहा है यार। जब हाई स्पीड में बाइक ड्राइव होती है तो माइक का कुछ इंतजाम किया है, तो मुझे आज चेक करना है भाई। एंड गाइस यार काफ़ी न्यू क्रिएटर होते हैं, हेल्प हो जाए। मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये गोप्रो की नॉर्मल बैटरी है और ये अपग्रेड बैटरी है। अपग्रेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव है और ये एक्स्ट्रा बैकअप निकाल के देती है। तो गाइस बिफोर अ टाइम तो हमने कभी यूज़ किया नहीं है, तो आज हम इस बैटरी को भी चेक करेंगे। और गाइस काफ़ी टाइम से मैं ये वाला माइक यूज़ कर रहा हूँ, सोनी ECM लेवल 1। तो गाइस ये माइक अच्छा है, मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जिसका बजट हाई नहीं है। लाइक अगर आप रूट की तरफ जाते हो तो 6K का बजट बनाना पड़ता है आपको, तो आप 2K में ये माइक परचेज कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी वॉइस निकाल के देता है और ये स्टूडियो माइक है, और तो इसकी क्वालिटी वॉइस क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो गाइज ये तो मैं माइक काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। तो गाइज आज ना मैंने थोड़ी कॉटन की लेयरिंग की है, क्योंकि जब मैं 120 की स्पीड क्रॉस करता हूँ तो ये माइक डिस्टर्बेंस करता है। तो वॉइस की डिस्टर्बेंस ना हो, लाइक थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो गाइज आपको दिख रहा होगा ये हेलमेट के अंदर का एरिया है, और मैंने माइक को ना कॉटन से कवर किया है। तो गाइस देखते हैं यार कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो का आनंद उठाए। तो हाय गाइस, कैसे हो आप? आई होप एवरीवन फाइंड एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू माय चैनल विद द न्यू व्लॉग गाइस। तो आज गाइस बिफोर अ टाइम से ना यार माइक ना डिस्टर्बेंस कर रहा है यार। जब हाई स्पीड में बाइक ड्राइव होती है तो माइक का कुछ इंतजाम किया है, तो मुझे आज चेक करना है भाई। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहे और चेक करते हैं यार कि राइट नाउ कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। गाइस व्यू चेक करो यार, तो यार मतलब इतने अच्छे हाईवे में अचानक से इतनी प्यारी डिस्टर्बेंस। तो फ्यूल फूकते है यार। कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो मेरी वॉइस में यार। तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा भाई, बिल्कुल बेस्ट स्पीड है यार 70 और लास्ट इतना काफ़ी है गाइस। तो राइट नाउ तो फार ड्राइव का यही पर्पस है, माइक चेक करना है यार कि नॉइस में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही यार। मतलब यार हाई स्पीड में यार वॉइस मतलब फटी फटी आवाज़ आती है यार। तो यार व्लॉग है ना, मतलब व्लॉग में कहीं ना कहीं खामी आ जाती है यार। तो गाइस मेरी वॉइस में कुछ इम्प्रूवमेंट है तो मुझे यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यार। तो गाइस यार स्पीड चेक करो, और
माय गॉड, आई होप यार व्लॉग खराब ना हो यार एक माइक की प्रॉब्लम के वजह से। यार ये सोनी का माइक है और मतलब इसमें भी अगर ऐसे होगा तो यार फिर कैसे ही चलेगा यार, फिर तो रूट की तरफ जाना पड़ेगा यार। रूट का माइक काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो गाइस अगर बात नहीं बनी तो फिर परचेज तो करना ही होगा गाइस। लेट पकड़ती है यार स्पीड यार, तो यार मजा तो आ रहा है यार। और गाइस अगर यार तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यार मेरे ओल्ड कंटेंट पे भी ध्यान दो भाई यार, काफी मेहनत लगती है यार, काफी पेट्रोल भी लगता है यार, इतना कुछ लगने के बाद यार मतलब यार 200-300 व्यू भी नहीं आते यार, तो बहुत बुरा भी लगता है यार। तो यार आई होप यार वॉइस अब थोड़ी क्लियर हो यार, अदरवाइज फिर मुझे एक एक्सपेंसिव माइक परचेज करना ही होगा यार। एंड गाइस यार देखो काफ़ी न्यू क्रिएटर होते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए। तो गाइस मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ GoPro 10 के साथ। तो अभी मैंने लास्ट टाइम GoPro की बैटरी परचेज की थी, इंडियोरा बैटरी। ये बैटरी हीट कम होती है और एक्स्ट्रा बैकअप निकाल के देती है, और मतलब शॉपकीपर तो ये बोल रहा था, मैंने ऑफलाइन परचेज किया था, शॉपकीपर तो ये बोल रहा था कि 1.5 घंटे का बैकअप। तो आज मैंने कहा यार चलो यार थोड़ा माइक भी चेक हो जाएगा और बैटरी भी चेक हो जाएगी। तो गाइस अभी राइट नाउ तो मैंने अभी बैटरी चेक की थी, तो मतलब अभी 30% ही डाउन हुई है बैटरी। तो मेरे हिसाब से मतलब ऑल वीडियो को कैलकुलेट करूँगा तो पता चल जाएगा कि क्या ही बैटरी बैकअप मिला है मुझे। तो इस बैटरी का बैटरी बैकअप तो थोड़ा एक्स्ट्रा है, और बैटरी परचेज कर रहे हो तुम GoPro Hero 10 या GoPro Hero 9 के लिए 11 के लिए, तो नॉर्मल मतलब ब्लू कलर की जो बैटरी होती है GoPro की, वो उस बैटरी को ना परचेज करके इंडियोरा बैटरी लो। गाइस इसका बैटरी बैकअप अच्छा है यार, अगर बैटरी वो जो दूसरी बैटरी है जो नॉर्मली GoPro के साथ मिलती है, 30% ही डाउन दिखा है मचाले। तो गाइस ये परी चौक का गोल चक्कर है और हम वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे, हम क्या मैं तुम्हारा भाई। एंड गाइस यार वीडियो में कोई मिस्टेक होती है, मेरे बोलने में कुछ डिफरेंट कोई मिस्टेक होती है, तो गाइस इग्नोर कर दिया करो यार, क्योंकि यार विद ड्राइव और थोड़ा बात करना थोड़ा इतना इजी नहीं है, तो कभी कभार हो जाता है। एंड गाइस यार मैं ट्राई करूँगा, लाइक मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, पर तुम्हारा भाई फुल कोशिश करेगा यार, फुल एफर्ट लगाएगा यार तुम्हारा भाई यार। आउट ऑफ सिटी का भी व्यू कैप्चर ज़रूर होगा, बस लास्ट कुछ बैकअप की ज़रूरत है, जैसे कि धीरे धीरे मैं रेडी हो रहा हूँ लॉन्ग टूर के लिए। जैसे कि गाइस हम 4K वीडियो, जब 4K वीडियो हम शूट करते हैं ना 60 FPS पे, तो गाइस मैक्स 128 GB की मेमोरी कार्ड में तो मैक्स से मैक्स 3.5 घंटे की वीडियो कैप्चर कर सकते हो। और अगर हम किसी लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं लाइक 4-5 डेज समथिंग, तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। बैकअप मींस मिनिमम देखो जितना हो सकता है शूट GoPro से ही करना है, तो मिनिमम 3-4 बैटरी और 128 GB की मेमोरी कार्ड लाइक 3-4 तो हो यार। तो मैंने तो परचेज कर लिया अब दोनों चीज़, बैटरी भी और मेमोरी कार्ड भी। और बैटरी चार्ज करने के लिए हम इस चार्जर का यूज़ कर सकते हैं,
और पावर बैंक का यूज़ कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड तो यार इतने इंटरनल स्टोरेज से हो जाना चाहिए, 128 GB की 3 मेमोरी कार्ड और मतलब 400 GB का बैकअप है तुम्हारे भाई के पास, वो प्यारा ही कंटेंट निकल कर आएगा। उसके लिए बस थोड़ा वेट गाइस, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि कुछ मिस हो जाए, उसके वजह से टिल बिट कुछ स्पॉइल हो जाए। तो मेरी तो कोशिश है थोड़ा लेट निकलो पर पूरी तैयारी के साथ। गाइस यार ऑलमोस्ट मतलब तैयारी हो ही चुकी है, और मतलब यार देखो टाइम लगता है यार, अब कैमरा तो खरीदना वैसे ही हार्ड है, और फिर जब इसकी एक्सेसरीज पे बात आती है ना, तो जितने का कैमरा है तो उतना नहीं, तो मतलब 60% 70% तक तो पहुंच ही जाता है यार बजट एक्सेसरीज परचेज करने में। तो मैंने यार धीरे धीरे करा यार, क्योंकि यार जाना है यार, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाए थोड़े हौसले बुलंद होंगे यार, और क्या, और थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा यार, कॉन्फिडेंट आना बहुत ज़रूरी है, विदाउट कॉन्फिडेंट तो देखो कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइस यार देखो मेरे को भी कोई इतना वो नहीं है फार ड्राइव, मतलब देखो कभी कभार ही ठीक है करनी चाहिए फार ड्राइव। अभी मैं फार ड्राइव इसलिए कर रहा था थोड़ी देर पहले क्योंकि यार माइक चेक करना है यार, तो माइक में कितनी डिस्टर्बेंस आ रही है, कितनी स्पीड क्रॉस करने के बाद, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। और यार देखो फिर ना कंटेंट भी स्पॉइल होता है यार थोड़ा बहुत, पर यार काफ़ी इम्प्रूवमेंट है चलो वॉइस में भी, और धीरे धीरे बनेंगे यार चीते, एकदम से तो नहीं बन जाएंगे यार, ऑन द स्पॉट तो यार कुछ नहीं होता, ज़िंदगी वक्त लेती है, जब ही बंदा निकलता है यार। रात को ड्राइव करने का ना मज़ा है यार, बहुत बहुत प्यारा मज़ा है यार। यार अपना लेफ्ट साइड की लेन सेलेक्ट करो अपना और इजीली 70-80 में चलते जाओ, अपना रात के 12 बजे निकलो और सुबह के 12 बजे तक लगा दो भाई उत्तराखंड और हिमाचल यार, जय महाकाल कर दो यार। तो गाइस देखो नॉन स्टॉप कैमरा चल रहा है जब से, और अभी पता है बैटरी बैकअप क्या है, अभी राइट नाउ स्क्रीन पे बैटरी है 47%, तो यार मतलब 96 से स्टार्ट हुआ था, 4% तो थोड़ा चेकआउट में ही यूज़ हो जाता है। तो गाइस मतलब अप्रोक्स 50% मान लेते हैं, 50% में यार मैं अभी भी सूट कर रहा हूँ राइट नाउ देखो, तो यार बैटरी बैकअप अच्छा है यार इस बैटरी का, इंडियोरा बैटरी। बाकी देखो मैंने अपना सजेशन दे दिया, और अगर मतलब आई होप कि मतलब इस एडवाइस से भी किसी को हेल्प मिले, और बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स भी हैं, कोई बंदा आ रहा है लाइक मोटो ब्लॉगिंग के पर्पस से यूट्यूब पर, तो अगर देखो तुम GoPro Hero 10 परचेज करते हो तो यार मतलब 20K प्लस 20 तो कम बोल दिया शायद, हाँ 20 या 24K समथिंग आपको एक्सेसरीज के लिए भी रखना होगा। GoPro की यार एक्सेसरीज बहुत एक्सपेंसिव है यार, छोटी छोटी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव यार, आईफोन वाला सुआद है ऐसा कह सकते हैं। तो यार आईफोन के लिए तो शायद इतनी एक्सेसरीज पता नहीं लेनी होती है नहीं लेनी होती, पर इसके लिए तो तुम्हें कंपलसरी है लेना अगर तुम मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो, एक अच्छा माइक जो हाई स्पीड में तुम्हारी वीडियो को भी स्पॉइल ना करे, और बैटरी एक नहीं कम से कम 2-3 तो रखनी होती है यार, फिर मेमोरी कार्ड, मतलब काफ़ी कुछ है यार। देख रहे हो गाइस बिल्डिंग चेक कर रहे हो यार, उसे तो यार बहुत प्यारा व्यू दिखता है यार, और कैमरे से यार वो क्वालिटी कैप्चर नहीं हो सकती ना, चलो जो भी है फिर भी ठीक है, नाइट में थोड़ी डाउन है, डे टाइम में तो बहुत अच्छी फुटेज निकाल के दे देता है GoPro Hero 10, पैसा वसूल इन्वेस्टमेंट है गाइस। व्यू चेक करो गाइस, तो यार अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो यार वीडियो को देखने के बाद यार अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिले, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो इम्प्रूवमेंट करूँ इसका एमआर। तो
गाइस बिल्डिंग बहुत प्यारी लग रही है यार, ऐसे ऐसे रखो गाइस पैर, चलते चलो भाई। इस हाईवे पर पाजी मिले थे यार, क्या ही कंटेंट था यार, वायरल होने वाला कंटेंट था, पर यार वो भी वायरल नहीं हुआ, लेकिन उसका मज़ा ज़रूर उठा सकते हो आप, मेरे चैनल पर अपलोडेड है वो वीडियो, तो गाइस देखो थंबनेल ऐसा है तुम्हें समझ आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा यार ट्रू लव में कितनी पावर है भाई, आई मीन कितना रिस्क उठा सकते हैं यार ट्रू लवर कपल, वे ना डरते किसी से। गाइस देख तो 20 की स्पीड में चुम्मा चाटी चल रही थी यार, मतलब ऊंचियां चल रही थी भाई, सही है देखो गाइस, हाँ भाई अच्छा लग रहा है भाई, मतलब यार पाजी को तो सैल्यूट था उस टाइम यार। तो गाइस यार बैटरी ना अब बैटरी है 20%, तो गाइस यार इससे पहले कि कैमरा अपने आप ऑफ हो जाए, तो उससे पहले यार मैं ही बोल दूँ कुछ, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, जल्द मिलेंगे अगेन एक नई वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय। Really clear, sometimes it could be a little tough. I just